नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ऑक्सीजन का शुभारंभ। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत राशि से 19 एकड़ रकबा में विकसित हो रहे ऑक्सीजन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इसके प्रथम चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में अव्वल। राज्य में अब 31 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश में चालू सीजन के दौरान वनोपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 माह से 104 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 1.5 लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है, जो चालू सीजन के दौरान देश में अब तक संग्रहित कुल वनोपजों का 71.71% है। इस तरह छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के लघु वनोपजों के वार्षिक संग्रहण लक्ष्य को 6 माह पहले अर्थात 6 माह में ही हासिल कर लिया है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने युवती को जिंदा जलाया। प्रदेश में महिला अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। घुठेरा नवा गांव में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना में पीड़िता की मौत हो चुकी है, वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो एक तरफा प्यार के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व पार्षद के पति पर चाकू से हमला, हालत नाजुक। राजधानी रायपुर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद के पति पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना से पूर्व पार्षद पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले की जानकारी होने पर आजाद चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले में कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ में कई आयकर अफसरों का हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ में पदस्थ एक दर्जन से अधिक आयकर अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। ये सभी अफसर रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में पदस्थ थे, जिन्हें प्रदेश के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले के दफ्तरों में भेजा गया है। तीर और टंगे से नक्सलियों ने की जवान की निर्मम हत्या, माँ बाप भी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सहायक आरक्षक की निर्मम हत्या कर दी। करीब 50 की संख्या में आए नक्सलियों ने देर रात तकरीबन 10 बजे माठवाड़ा निवास में सोमारू पोयाम की हत्या की घटना को अंजाम दिया। जवान फरसेगढ़ में सहायक आरक्षक के पद में पदस्थ था। जवान सोमारू पोयाम मेडिकल लीव पर माड़वाड़ा स्थित अपने घर आया था। नक्सलियों ने जवान को 6 तीर मारे, फिर टंगे से उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना में सहायक आरक्षक के माँ और पिता को भी गंभीर चोट आई है। जंगला थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात की पुष्टि SP कमलोचन कश्यप ने की है। भले कहते रहो कि तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे माथे का पसीना हकीकत बयां है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने की नोटिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि भले कहते रहो कि तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे माथे का पसीना हकीकत का बयां है। बता दें, केंद्र सरकार ने प्रियंका गांधी को उनकी दिल्ली स्थित बंगला को खाली करने को कहा है। इसके लिए उन्हें 1 महीने की मोहलत भी दी गई है। सरकार से टैक्स में छूट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा बसों का संचालन। छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन जल्द शुरू किया जा सकता है। बस संचालकों में सहमति बन सके, इसके लिए राज्य सरकार ने जून महीने के टैक्स में छूट दी है। सरकार के इस कदम से बस संचालकों को 5 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इस बात की जानकारी बस परिचालक संघ के उपाध्यक्ष ने दी है। भारत में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,148 नए मामले, 334 मरीजों की गई जान। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 19,148 मामले सामने आए हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से एक दिन में 434 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कुल मामलों की बात करें तो आंकड़ा 6,04,641 तक पहुंच गया है। COVID-19 ने भारत में अब तक 17,834 मरीजों की जान ले ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी 2,26,947 एक्टिव केस हैं। साथ ही अभी तक 3,59,860 मरीज इस महामारी से या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है।
आत्महत्या से पहले सुशांत ने गूगल पर पढ़ी थी अपनी खबरें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने से पहले अपने नाम की खबरें सर्च की थी। यह खुलासा सुशांत के मोबाइल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ। सुशांत ने कई न्यूज वेबसाइटों को भी सर्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत 14 जून को सुबह करीब 10:15 पर मोबाइल फोन से अपने नाम को सर्च कर रहे थे। उन्होंने कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़े, इसके बाद कुछ ही देर में मोबाइल ब्राउजर बंद कर दिया। इससे संकेत मिलते हैं कि सुशांत अपने बारे में छप रही खबरों को लेकर परेशान थे। उनके करीबियों ने भी पुलिस को दिए बयान में इस बात का जिक्र किया है कि वे पिछले कुछ दिनों से अपने करियर और छवि को लेकर परेशान थे। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।